नमस्कार ऑल ऑफ यू। यूथरीच की ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 7x जमा 3। इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से करने पर यहां a बराबर हमारे पास 2 है, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 3 है। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अब हमारे पास द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बटा सारे अंडर रूट बटा 2a। अब हमारे पास b की वैल्यू है माइनस 7, तो माइनस बी की जगह माइनस और बी की वैल्यू माइनस 7 प्लस माइनस सारे का अंडर रूट, बी की वैल्यू है माइनस 7 तो माइनस का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 3 बटा में 2 गुणा ए की वैल्यू हमारे पास 2 है। माइनस का निशान माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 7 प्लस माइनस सारे का अंडर रूट 7 का वर्गमूल 49 माइनस 4 दुणे 8 8 दिया 24 बटा में 2 दुणे 4 7 प्लस माइनस सारे का अंडर रूट 49 में से 24 घट गए 25 बटा में 4 बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता हमारे पास 5 बटा में 4। अब हमारे पास हो गया इसको 7 प्लस माइनस 5 बटा 4, तो 7 में एक बार हम 5 को जोड़ेंगे और एक बार 5 को घटाएंगे, तो पहली बार हम 7 प्लस 5 बटा में 4 बराबर हो जाएगा 12, 12 बटा 4 बराबर 4 से 4 दिया 12 3। दूसरी बार 7 माइनस 5 बटा में 4, 7 में से 5 घट गया 2, 2 बटा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। तो इस समीकरण के मूल हो गया हमारे पास मूल बराबर 3 और 1 बटा 2 आंसर है। यह सवाल कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यूथरीच की ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।